Assalamualaikum student, how are you? I hope that you will be fine. Subject English class 2, lesson number 2, cleaning day, सफाई का दिन. Translation देखें, page number, lecture 8, reading page number 7, oops, my dog fell its milk, the floor is dirty again. वर्ड्स मीनिंग देखें, ऑप्स अफसोस, फेल्स गिराना, फ्लोर फर्श, अगेन दोबारा. अब इसकी ट्रांसलेशन देखें, ऑप्स अफसोस माय डॉग फेल इट्स मिल्क, अफसोस मेरे कुत्ते ने दूध गिरा दिया है. द फ्लोर इज़ डर्टी अगेन, फर्श दोबारा गंदा है. द फ्लोर इज़ डर्टी अगेन, फर्श दोबारा गंदा है. क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, What is needed to clean the dishes? Dish को यानी कि बर्तनों को साफ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? What is needed to clean the dishes? बर्तन को साफ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? What is needed to clean the dishes? प्लेटों को साफ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? स्पंज एंड वाटर, स्पंज और वाटर, पानी की. आगे बी देखें, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स, यानी कि इसमें से दो वर्ड दिए हुए हैं, जो करेक्ट है वो आप लोगों ने टिक करना है. दी फ्लोर इज़ डर्टी, फर्श गंदा है. आई गेट अ मॉप या फिर स्पंज एंड अ वाटर बकेट, हमें फर्श को साफ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्पंज की या मॉप की? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉप, यानी कि झाड़न की. आगे टू देखें, द विंडोज़ आर डर्टी, खिड़कियाँ गंदी हैं. आई गेट अ पेपर क्लॉथ एंड वाटर, तो हमें खिड़कियों को साफ करने के लिए पेपर की ज़रूरत होगी या क्लॉथ कपड़े की? तो क्या आएगा? क्लॉथ. क्लॉथ पे आप लोगों ने क्या करना है? टिक करना है. सी देखें, चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें से तीन क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है. वन देखें, आई डैश द विंडोज़, वॉश वाइप ओपन, तो करेक्ट आंसर होगा वाइप. खिड़कियों को साफ कर, खिड़कियों को सफाई की ज़रूरत है, वॉश आएगा, वाइप आएगा, ओपन आएगा, तो क्या आएगा? वाइप. आई वॉश द डिशेज विद क्लॉथ एंड वाटर, स्पंज एंड वाटर, मॉप एंड अ वाटर बकेट. प्लेटों को धोने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? स्पंज एंड वाटर की. माई डॉग डैश इट्स मिल्क, मेरे कुत्ते ने क्या गिरा दिया है? वॉशिस, स्पिल्स या ड्रिंक्स? स्पिल्स गिराना, दूध गिरा दिया है. माई डॉग स्पिल्स इट्स मिल्क. फोर देखें, वट इज़ डर्टी अगेन, दोबारा क्या गंदा हो गया था? द फ्लोर फर्श, द विंडोज खिड़कियाँ, द सिंक, तो क्या आएगा? द फ्लोर फर्श गंदा हो गया था. आगे वर्ड जोन पे आए, अनस्क्रैम्बल एंड राइट द वर्ड्स, वर्ड दिए हुए इनको रीअरेंज करना है, इनको करेक्ट वर्ड करके लिखना है. तो ये क्या बनेगा? ये क्या कर रहा है? वाइप, सफाई कर रहा है. तो इसका क्या आएगा? वाइप. वाइप की स्पेल है डब्ल्यू आई पी ई, डब्ल्यू आई वी डब्ल्यू आई पी ई, वाइप. ये है क्या है? ये बर्तन है, ये क्या है? गिर किया है, तो क्या आएगा? ये क्या है? फेल्स. फेल्स होता है गिरना, F E double L S, F E double L S, फेल्स. आगे थ्री पे आए, ये है मॉप, झाड़न है, तो क्या लिखेंगे इसके स्पेल? M O P, मॉप. तो ये क्या है? हैंड क्या है? डर्टी है, गंदे हैं, तो ये क्या वर्ड बनेगा? डर्टी, D I R T Y, डर्टी, D I R T Y, डर्टी. आगे लुक एंड टिक, यानी कि पिक्चर देख के आपने टिक करना है. टेक, ये क्या कर रहा है? टेक आउट द गार्बेज, कूड़ा पाई गिरा रहा है, या क्लीन डस्ट, या फिर डस्टिंग कर रहा है, या झाड़ है, तो क्या आएगा? क्लीन डस्ट. आप लोगों ने टिक करनी है क्लीन डस्ट पे. अगला देखें, ये क्या कर रहा है? स्वेप द फ्लोर, फर्श को साफ कर रहा है, या क्लीन बाथरूम, या बाथरूम की सफाई कर रहा है, तो ये क्या आएगा? क्लीन बाथरूम. टिक करना है आप लोगों ने क्लीन बाथरूम पे. मेक एंड से, ये यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक दी हुई है, आप लोगों ने इसे फिल करना है. आई डैश टू डे, तो आएगा आई क्लीन द हाउस टू डे, आएगा आई क्लीन द हाउस टू डे. लर्न एक्सरसाइज, राइट क्वेश्चन एंड ट्रांसलेशन, रीडिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.